मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को जयपुर के जवाहर सर्कल पर पक्षियों के लिए परिंडे बांधकर बीजेपी के परिंडा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राजधानी शहर बीजेपी के कार्यकर्ता, जयपुर के महापौर अशोक लाहोटी, सांसद रामचरण बोरा, चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ मौजूद रहे। सराफ ने कहा कि सभी 91 वार्डो में ये परिंडे लगाने का काम किया जाएगा। वहीं लाहौटी ने कहा कि एकादशी के दिन सीएम राजे ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता 5000 परिंडे बांधेंगे। इस दिन ही सीएम राजे ने कमल प्याऊ का भी शुभारंभ किया है, जिससे लोगों को और पक्षियों को पीने का पानी मिल सके। आपको बता दें कि सभी परिंडे और प्याऊ दोनों को भाजपाई रंग में रंगे हुए हैं, जिससे दूर से ही लोगों को नजर आएगा कि ये परिंडे भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। में वार्ड, हर वार्ड में जितने भी गार्डन्स हैं उनमें इस प्रकार से परिंडे लगाए जाएंगे और ये हर वार्ड में एक एक कमल प्याऊ का उद्घाटन किया जाएगा। और इसके अलावा आगामी दिनों में पूरे राजस्थान में भी होंगे क्या? पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम होगा। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन, 11 के दिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने, जहाँ 5000 परिंडे बांधने के अभियान को शुभारंभ किया। बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का काम शुरू किया। वहीं पूरे जयपुर शहर के 91 वार्ड्स में कमल प्याऊ का भी शुभारंभ किया गया, जहां पूरी गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले आम जन लोगों को ठंडा पानी पिलाकर उनकी जो गर्मी है उनको शांत करने का प्रयास करेंगे। और इस प्याऊ का इतना धर्म और नेक के काम का आदरणीय मुख्यमंत्री